तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को हिंदी गाने पर रिमिक्सिंग करना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आप लोग हिंदी गाने को कैसे रिमिक्स कर सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी में। और ये जो वीडियो है वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और इस प्रकार का रिमिक्सिंग आप लोग को कोई नहीं सिखाता है, और इसमें जितना भी मैं हो सकूँगा आप लोग को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में मैं जो गाने पर रिमिक्सिंग करने वाला हूँ उस गाने का नाम भी मैं बता दूंगा। उस गाने का जो नाम है वो है दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे। यही गाने पर मैं आप लोग को रिमिक्सिंग करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले उस गाने को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने रखा है गाने को लेकर। किधर है, हम जानते हैं, ये गाना मैंने ले लिया आप लोग के लिए। अब गाने लेने के बाद से पहले इस गाने को क्या करेंगे, बीपीएम चेक करेंगे। तो दोस्तों इस गाने का बीपीएम मैंने चेक कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस गाने का बीपीएम क्या है। तो दोस्तों इस गाने का जो बीपीएम है आप देख सकते हैं, इस गाने का जो बीपीएम है 80.2, यानी इसका ये स्पीड है 80। तो चलिए हम अपने FL स्टूडियो में जाते हैं और यहाँ पर उस बीपीएम को सेट करते हैं। तो यहाँ पर घुमाकर आपको सेट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा बीपीएम सेट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमको देखना है कि हमारे जो गाने हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। और ओल्ड गाना है तो थोड़ा मैं भगा कर ही चेक करूँगा, जहाँ से हमारे म्यूजिक चल रहे हैं वहीं से हम लोग सॉन्ग रिमिक्सिंग करना सीखेंगे। तो चलिए जहाँ से हमारे इसके अंदर का इंस्ट्रूमेंट शुरू हो रहा है, देखिए। तो ज़्यादा मैं प्ले नहीं करूँगा दोस्तों, इधर से कहीं से चालू होगा मेरा गाना। यहाँ से हमारे पैटर्न चल रहे हैं, तो सबसे पहले इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, उसके बाद से देखिए हमारा पैटर्न यहाँ से चालू हो रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका बीट मैच करा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर पर मैं कर दूंगा। और इसको जो कोने का जो मैग्नेट का ऑप्शन है उसको आपको ऑन करके थोड़ा सा इसको पीछे कर लेना है, देखिए। और इसके बीट को आप सही से बैठा लीजिए, बीट सही मैच हो जाएगा तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए मुझे लग रहा है कि ये बीट मैच हो गया है, तो मैग्नेट का जो ऑप्शन मैंने टूल्स जो ऑन किया था उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद से इसको देख लेंगे कि सही तरीके से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे दोस्तों लग रहा है कि ये सही मैच कर रहा है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड हटाएँगे, उसके लिए मैं यहाँ पर लेबलर ले लूँगा। मैं लेबलर आप लोग को हमेशा बताता हूँ कि मैं यहाँ पर लेता हूँ साउंड को कम बेस करने के लिए, और यहाँ से पता भी चलता है कि हमारे गाने के जो साउंड कितने हाई जा रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पर हम लेंगे ग्राफिक EQ और इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, ज़्यादा मैं इसका बैकग्राउंड नहीं हटाऊँगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, हो गया। अब इसमें मैं डालूँगा रिवर्ब, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं मिक्स को रख देता हूँ 20, ठीक है, हो गया ये हमारा। अब यहाँ पर हम लेंगे पैटर्न यानी लूप्स, जो डफली लूप्स है इसमें जो चल रहा है उस प्रकार का, इस प्रकार का। तो चलिए खोजते हैं हमारे पास है या नहीं। तो यहाँ पर डप डप डप, थोड़ा मतलब मेरा फ़ोन थोड़ा लैग कर रहा है, आप समझ सकते हैं।
चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं मैच करता है कि नहीं। तो ये हमारा 11 नंबर से चल रहा है, तो उसके सामने मैंने लगाया, और ये जो है दो बार में है, तो इसको थोड़ा मैं लंबा करता हूँ। ठीक है, आप सुनते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसके नीचे हमको लगाना है जो घुंघरू होते हैं, वो मैं लगाऊंगा। उसको थोड़ा मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ कि आगे पीछे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, परफेक्ट बैठा है, हो गया। अब यहाँ पर हम लेंगे एक ड्रम्स, इसके अंदर मैं लेता हूँ क्लैप्स और हेड झनकार, घुंघरू जो बोला जाता है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। वीडियो का आप शुरू से देखिएगा तो सही रहेगा। तो मैंने ले लिया, लेने के बाद से अब इसके अंदर मैं घुंघरू खोजूंगा। घुंघरू इसको मैंने ले लिया, और एक मैं ढोल टाइप का थोड़ा सा ले लेता हूँ। दोस्तों इसी को लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे मैं क्लैप्स और झनकार लगाऊंगा। इसका साउंड मैं कम कर देता हूँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों साउंड कम करता हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ -6, देखता हूँ। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस यहाँ से माइनस करना होगा, -12 पे देखता हूँ, -12। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लूँगा ड्रम्स, और इसके अंदर मैं लगाऊँगा पहले क्लैप्स। तो चलिए क्लैप्स नहीं, पहले लगाऊँ धनकार। तो धनकार कहाँ लगाने, काले और हर काले के पहले पे, और यहाँ पर क्लैप्स क्लैप्स। सुनिए कैसा साउंड करता है, थोड़ा सा साउंड को मैं कर दूंगा एडजस्ट, देखिए थोड़ा सा। और ये है हमारा डफ, इसको थोड़ा क्लोन करूंगा, और यहाँ से थोड़ा साउंड को मैं एडजस्ट करूंगा। और ये साउंड को थोड़ा सा यहाँ से मैं कम करता हूँ, देखता हूँ उसके बाद से पता चलेगा। क्लैप्स को भी करूंगा कम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर ये जो मैंने लिया था, इसमें देखता हूँ टर्म होना चाहिए मुझे, इसको मैं लगाता हूँ। देखिए वो कहाँ कहाँ पर लगाना है हमको, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसको डालता हूँ। इसको दो रखूंगा यहाँ पर, रिपीट को देखता हूँ काम करता है कि नहीं करता है, नहीं कर रहा है। इसको दो ही बार में मैं रखूंगा दोस्तों, यहाँ से मैं करता हूँ इसको क्लोज। साउंड को थोड़ा सा मैं कर दूंगा यहाँ से कम, देखते हैं। इसको देखता हूँ साउंड को। तो दोस्तों हिंदी गाने में थोड़ा समय लगता है, तो आप बोर मत होइएगा वीडियो देख के। इसको जहाँ तक जाएगा वहाँ तक कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे तक ले जाते हैं।
देखिए थोड़ा मतलब गाने आगे पीछे होंगे तो वहाँ पर हम लोगों को कटिंग करना पड़ेगा, मैं आपको यही बता देता हूँ। हिंदी गाने में ज़्यादा कटिंग फिटिंग होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमारा सॉन्ग थोड़ा सा इधर हो रहा है, अब शुरू से सुनते हैं। लगाते हैं, ये नहीं सही रहेगा। कहाँ तक चल रहा है उसे हम लोग को इसको चलाना है, उसके बाद जहाँ से थोड़ा ब्रेक टाइप आ गया वहाँ पर आपको इसको बंद करना होगा, वहाँ से ब्रेक हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बंद करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले इसको काटते हैं, देखिए कहाँ से हमारा चल रहा है ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए यहाँ पर आपका ब्रेक गिर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कहाँ से चल रहा है गाना, ध्यान में देखिए, यहाँ से तो थोड़ा देखिए हमारा ये गाना यहाँ से पीछे हो रहा है, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, तो मैं यहाँ से करता हूँ कटिंग। तो चलिए यहाँ पर मैं कर दिया, इसको क्लिक किया और यहाँ पर देखते हैं इसको स्प्लिट करता हूँ, लग रहा है हो गया। अब सुनते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से गाने को कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हमारा पीछे हो रहा है तो इसको आगे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको इसके जगह पे थोड़ा सा आगे पीछे हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब चलिए अब ये मैं यहाँ से एक ड्रम लिया, अब यहाँ पर ये ब्रेक जो गिर रहा है उसको बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले ढोल, तो ढोल को हमको ले लेना है और एक टम लेना पड़ेगा। तो पहले टम देखते हैं, इधर नीचे होना चाहिए, इसको मैंने ले लिया। और ढोल एक ठीक है, मैंने उसको ले लिया। अब देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ पर गिरा है, एक दो तीन, तीन जगह गिरा है। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम लोग बना लेंगे। तो बनाने का एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग मैं तो देख भी सके और बना भी सके। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एडिट पे जाएंगे, थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ऐसे काम करेगा, देख सकते हैं यहाँ पर किस किस जगह पर मांग रहा है वो आप भी यहाँ पर थोड़ा नहीं है तो इस होता है तो थोड़ी इसको ऊपर कर लीजिए। अब देखिए हमारे नीचे सैंपल हैं, ढोल को यहाँ पर लगाया, देखिए कहाँ कहाँ लग रहा है आपको पता चलेगा कि ये ठीक है, ये ठीक है। अभी ये इसके नीचे मैंने लगा दिया, ठीक है। अब सुन कर देखते हैं कैसे साउंड करता है। चलिए इसके लिए इसको हम नीचे कर देते हैं, अब सुनते हैं। इतना अच्छा लग रहा है, अब चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम पिचिंग करें, तो एक पॉइंट मैंने पिचिंग कर दिया और इसको टम को देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जो हमारा था वो अच्छा लग रहा था। और ढोल को भी जैसे था वैसे कर देते हैं, हो गया, ये हमारा ब्रेक बन चुका। अब इसके आगे देखते हैं, आगे वाला भी यही चल रहा है,
वाला पैटर्न चलेगा, तो उसको हम फिर से बना लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं टीम को थोड़ा। साउंड को थोड़ा सा मैं कर दूंगा, रहे सुनते हैं आप दोस्तों, तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया। मैं कॉपी कर लिया, अब इसके आगे पेस्ट करेंगे, यही वाला पैटर्न चल रहा आगे। कहाँ से चेंज हो रहा है थोड़ा हमारा म्यूजिक देखिए, अभी पता चलेगा कि आपका बीट्स इस गाने में कहाँ से चेंज हो रहा है, मैंने मतलब मैच नहीं कर रहा है। कहाँ से बिगड़ने लगा, समझ गया? तो कहाँ से बिगड़ा है वो आपको ध्यान में देखना होगा, उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ। देखते हैं कहाँ से हमारा चेंज हो रहा है, यहाँ से बिगड़ा है, देखिए बिगड़ गया ना। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ से हमको काटना है, यहाँ से काटना है, इधर काट लेते हैं। तो उसके लिए मालूम है कैसे काटना है, इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए, फ्लैश के आइकन पर क्लिक कीजिए, जो सबसे ऊपर डिसेबल है उसको छोड़ के दो नंबर पर क्लिक करना है, आपका ये गाना यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको मैच करना, देखिए पहले जूम कर लीजिए, यहाँ पर देखिए हमारा थोड़ा दूर हो रहा है, इसको यहाँ से मैं करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैच करूँगा, हो गया मैच, इसको मैं कर दूँगा ऑफ। अब देखिए ये मैं थोड़ा गलत काट लिया हूँ, उसके लिए मैं इसको पीछे कर दूँगा, ये वाला हमारा आ गया जाएगा, हमारे गाने मतलब ख़त्म नहीं होंगे, यहाँ से मैं कर दूँगा क्योंकि इसके अंदर हमारा म्यूजिक है नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर वेव जो है इसका पतला है। अब देखिए कैसा साउंड करता है, देखते हैं। रुकिए गलत हो गया दोस्तों, थोड़ा रिवर्स करते हैं इसको, मेन जो पॉइंट होता है कि आपको सब देख कर ही करना पड़ता है दोस्तों, यहीं से देखते हैं हमारे कहीं काम आ जाए तो, यहाँ पतला है। अब सुनते हैं, यहाँ से नहीं हो रहा, थोड़ा इसको हम पीछे करेंगे, मैंने इसका जो रीजन होता है वो मैच नहीं हो पाता है दोस्तों, जैसे आजकल के जो नए गाने आते हैं, देखिए यहाँ पर कहाँ से मैच हो रहा है, यहाँ पर मैच हो रहा है, तो यहाँ से हम काट देते हैं, देखते हैं कट जाता है तो, यहाँ से मैं इसको लंबा कर देता हूँ, देखते हैं। और इसको मैं कॉपी करके देखता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करके, कॉपी मैंने किया, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, दूसरी बात कि मैं इस गाने का BPM बढ़ाया नहीं हूँ, जितना इसका BPM है परफेक्ट जो BPM है उसी पर मैं इसको सेट कर दिया हूँ। आप इसको BPM बढ़ा देंगे तो और ही अच्छा गाना आप लोगों को लगेगा, पैटर्न थोड़ा फास्ट चलेगा, गाना भी थोड़ा फास्ट चलेगा, तो और थोड़ा एनर्जी मिल जाता है गाने को। देखिए थोड़ा मतलब इधर उधर होने लगा पैटर्न, देखिए यहाँ पर देखिए आपको, तो कटिंग करना पड़ेगा, चलिए हमको इसे से यहीं से करते हैं कटिंग, यहीं से करेंगे कटिंग, कर दिया मैंने यहाँ से, अब इसको यहाँ से थोड़ा पीछे करके इसको मैच करा देंगे, अब यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देखते हैं मैच करता है या नहीं करता। थोड़ा गड़बड़ा गया ना, अब इसमें देखिए कहाँ से फिर से गड़बड़ हुआ है, फिर से यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कटिंग करना पड़ेगा,
तो ये हर पॉइंट में आपको कटिंग करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही कटिंग करना पड़ेगा। चलिए यहीं से मैं कटिंग करके देखता हूँ। यहाँ पर कर दूँगा इसको थोड़ा लंबा। यहाँ पर इसका बीट देखिए मोटा तो थोड़ा है, तो इसको यहाँ पर मैच कराऊँगा। इसी प्रकार से मैच कराया जाता है। सुनते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ लगा सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप किक लगा दीजिए। चलिए मैं आप किक की बारी आ गई, अब यहाँ पर हम किक जो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे। तो ड्रम्स में गए, ड्रम्स देख सकते हैं। यहाँ से मैं करता हूँ थोड़ा नीचे, यहाँ आया मेरा ड्रम्स देख सकते हैं। कर दूँगा छोटा सा, एडिट में जाऊँगा, यहाँ पर मैं ले लूँगा किक। किक कौन से लगाएंगे, किक मैं देखता हूँ कौन सा मुझे अच्छा लगता है। इसी प्रकार का किक मैं लगाऊंगा। मेरा ये वाला तो है, लेकिन ये वाला लगाएंगे। इस किक का जवाब नहीं है, इसको मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है। अब इसके नीचे मैं डालूँगा रिंग टाइप का, जो घंटी टाइप का होता है वो मैं डाल देता हूँ। तो देखूँगा इधर होना चाहिए, तो थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है किक को। इसको मैंने लगाया, अब देखते हैं क्या। अब इसके नीचे आप इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ क्रॉस मेरे पास होगा तो क्रॉस डाल दूंगा दोस्तों। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, जैसे ये, अब देखिए। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग डाल देंगे मल्टी इफेक्ट्स में जाएंगे, रिवर्ब नहीं डिले, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा बीट 4, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहाँ से चल रहा है, यहाँ पर यहाँ से हमारा चल रहा है पैटर्न। तो देखिए देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न चल रहा है। तो चलिए पहले हम लोग किक लगाते हैं। तो यहाँ पर आया मेरा ड्रम, ड्रम्स आने के बाद से इसको मैं लगाऊंगा फ्लिजिन 4 स्टेप। किक को इसको भी मैंने लगाया, अब सुनते हैं कैसा साउंड करता है, देख लीजिए। इसको साउंड को आप मैनेज कर सकते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, हो गया। अब यहाँ पर हमको लगाना है ढोल की लूप। चलिए जाते हैं अपने लूप्स में, मेरे पास ढोल के लूप्स ये वाला। ठीक है, इसको मैंने लिया, ये मुझे यहाँ पर मैंने लगाया। इसको मैं एडिट में जाऊँगा और देखूँगा कि इसको सही से बैठा या नहीं बैठा। नहीं बैठा तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और पीछे करेंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस ढोल को हमको थोड़ा काटना है, तो काटना कैसे है उसके लिए हमको इसको देखिए, इसको मैं कितना काटूँगा, यहाँ तक मैं काट देता हूँ। फिर भी इसके अंदर थोड़ा मुझे
नॉइज लग रहा है, तो इतना इतना काटूंगा मैं। देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने काट दिया कि बस यहाँ से मैं काटूंगा। तो पहले सुन लीजिए ढोलक कैसे बजता है, रिवर्स में करता हूँ। अब सुन लीजिए ढोलक जो मैंने लिया है वो कैसे साउंड करता है और इसको कैसे सेट करना है वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये देखिए सेम टू सेम। तो इसको मैंने किया यहाँ से स्लोक को हटाया। अब इसको देखेंगे हमारे जो ढोलक कहाँ से सही लगेंगे। तो मुझे लग रहा है ढोलक जो हमारे यहाँ से ही सही चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ से मैं काट देता हूँ। इधर इधर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बार है ना, इसका थोड़ा मैच कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा भाई यहाँ से मैंने कर दिया। अब देखते हैं आगे, तो आगे थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो यहाँ से मैं अंडो करता हूँ और इसको मैं करता हूँ यहाँ से कटिंग। इसको मैंने इतना ही कटिंग किया। अब इसको मैंने किया कॉपी और इसके आगे मैंने कर दिया पेस्ट। देखते हैं, तो इसको सही से मैं यहाँ पर मैच करा दूँगा। हो गया। अब मैं एक ये जो ऊपर वाला हमारा ड्रम है उसको मैं नीचे करूँगा। इसके अंदर मैं लूँगा इसमें मैं लूँगा क्या लूँगा टम। तो चलिए यहाँ पर मैं टम खोजता हूँ, अगर मिल जाए तो। ये ठीक है, इसी को मैंने लिया। ये भी इसका मैं पिच थोड़ा सा करूंगा। ठीक लग रहा है मुझे। अब चलिए इसको थोड़ा हम लोग प्ले करते हैं, उसके बाद से पैटर्न बनाएंगे। अब इसके नीचे मैं हीट हर्ट्स लगाता हूँ, देखता हूँ मैच करता है कि नहीं करता है दोस्तों। और जो मैंने टम लिया है उसको भी बैठाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। मैं हिंदी गाने जल्दी से बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डालने पड़ते हैं और समय लगता है और मेरे पास समय है नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग के लिए केवल बना देता हूँ। इसी को बैठाते हैं, अगर बैठ जाए तो बैठ जाए, नहीं तो दूसरा बैठाएंगे। इसको लंबा करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब सुनते हैं। मैच कर रहा है, इसको आप छोटा बड़ा जो भी चाहे कर सकते हैं। अब देखिए मुझे कहाँ कहाँ पर टम को लगाना है, हमारे ढोल चल रहे हैं उसी उसी के सामने मैं लगाऊंगा टम को। तो टम को लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मेरा दोस्त, उसके लिए मैं करता हूँ ये जो ड्रम्स है उसको मैं कर देता हूँ क्लोन। क्लोन नहीं तो ऐड ऐड नॉन ट्रैक पर करता हूँ। मैंने ऐड नॉन ट्रैक किया, थोड़ा वेट लेगा, मैंने कर दिया। देखिए अब इसको मैं कर दूंगा डिलीट। ये रहा, एडिट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये है,
जो भी है। अब देखना इसको लगाना कैसे है। तो मेन जो पॉइंट होता है यहाँ पर देखिए, जो ये यहाँ पर ये जो जहाँ जहाँ मेरे ढोल हैं वहाँ वहाँ पर इसको लगाना है। कौन सा टम? तो एडिट में जाएंगे, इसको पहले ऊपर कर लेते हैं, एडिट में जाएंगे, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए मुझे इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। अब देखिए कहाँ कहाँ पर लगाना है। तो देखिए तीन नंबर के सामने मैंने लगाया, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखा रहा तो इसको ऊपर कर देंगे। इसको मैंने थोड़ा ऊपर किया, अब देखिए यहाँ पर दिखाई देगा, हो गया। अब देखिए इसको यहाँ पर लगाना है, तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर करेंगे 1/3 स्टेप और देखते हैं। थ्री स्टेप मुझे लग रहा है, नहीं तो थोड़ा मैं क्या करता हूँ यहाँ पर नो कोने का जो मैग्नेट का ऑप्शन है उसको ऑन करके थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ, आगे करता हूँ, तो ऑटो में करता हूँ पहले, तब हो जाएगा। ऑटो में कर दिया इसको। ऑटो चलिए लग रहा है मुझे हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको सभी में लगा देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऊपर जाएंगे एडिट में, इसको मैं करता हूँ ऊपर, मैंने एक जगह बना लिया, सिंपली इसको कॉपी करके आगे पेस्ट कर देंगे। फिर से मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, आगे कर देंगे पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो गया। तो देखते हैं, ठीक है हो गया ना दोस्तों। अब सुनेंगे पहले यहाँ पर हमारे जो टर्म है, टर्म को मैं यहाँ से थोड़ा सा इतना काट देता हूँ और यहाँ से थ्री इसको ऑटो में डाल देता हूँ। यहाँ पर ऑटो कर दिया और यहाँ पर मेरा जो टर्म है ये थोड़ा मतलब ये ठीक है लगता है, मतलब अच्छा लगेगा। चलिए इसको प्ले करते हैं पहले। फर्स्ट में सेकंड को हटाऊंगा यहाँ पर। अब सुनिए फर्स्ट वाले को हटाता हूँ, उसके बाद से चेक करूँगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट वाला ही सही था, इसको ले जाएंगे फर्स्ट में, हो गया। इसको थोड़ा बैक करेंगे और बैठा देंगे दोस्तों, बैठ गया। करते हैं इसको ऑटो में, देखते हैं, ठीक है काम कर रहा है ऑटो पे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा मच नहीं हो रहा दोस्तों, इसी की वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब वो लग रहा है हो जाएगा, सुनते हैं। तो सिंपली इसको फिर से मैं कॉपी करूँगा, फर्स्ट में हो गया, इसको डिलीट करूँगा, सेकंड में इसको पेस्ट करूँगा।
ये हो गया यहाँ पर। अब एक ये और चीज़ यहाँ पर लगाएंगे, मस्त आ रहा है साउंड। इसको डालेंगे हुक के नीचे, कहाँ पे वो डालेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, एडिट में जाएंगे, इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पर मैंने डाल दिया एक, यहाँ पर सुनते हैं लग रहा है। अब इसको आगे कॉपी पेस्ट कीजिए, इस प्रकार से आप लोग रिमिक्सिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसको हटा देते हैं, मजा नहीं आ रहा। तो इसको जो है थोड़ा सा इसका साउंड को बढ़ा देंगे, ढोलक जो लगाए हैं नीचे। ठीक है, चलिए अब इसको कॉपी कीजिए, आगे तक लेते जाइए जहाँ तक चलेगा। देखिए यहाँ से थोड़ा चेंजिंग हो रहा है, अलग तरीके का साउंड है। देखिए तो देखिए हमारा कहाँ से चेंज हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर से थोड़ा हमारा गाने डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं यहाँ पर देखिए। यहाँ पर काटते हैं पहले, यहाँ पर इसके जगह पर हम करते हैं कटिंग। कटिंग करने के बाद से इसको देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन इसके आगे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर इसको हम बनाएंगे, यहाँ से थोड़ा आगे करेंगे, ठीक है। अब लग रहा है, अब सुनते हैं। बदल गया ना यहाँ पर थोड़ा, मतलब हमारा जो पैटर्न काट का हम जैसे कटिंग किए ना, ये थोड़ा सा पीछे हो गया। जैसे आप समझ सकते हैं गाने पीछे हुआ है तो ये पैटर्न भी पीछे होगा। अब सुनिए, अब नहीं होगा, तो इस प्रकार से आप सॉन्ग रिमिक्स कर सकते हैं आगे तक। आगे तक जहाँ जाएगा वहाँ से आपको चेंज करना होगा, आप समझ सकते हैं दोस्तों।
अब इसको ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया। यहाँ से कॉपी, यहाँ पर कर दिया पेस्ट, इसको मैंने थोड़ा लंबा कर दिया। देखिए कहाँ से चेंज हो रहा है गाना, वहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ से हमारा पैटर्न फिर से चेंज हो रहा है। कौन सा पैटर्न, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कटिंग। वीडियो आपने लास्ट तक देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा, नहीं देखे होंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब इस ये वाला जो पैटर्न यहाँ पर मैंने बनाया था, ये वाला ए, इसको कॉपी और यहाँ पर देखिए वही मांग रहा है, देखिए वही मांग रहा है। तो सिंपली यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। अब देखिए देख सकते हैं, तो यहाँ से मेरा थोड़ा गाना कटिंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पैटर्न थोड़ा हम लोगों का आगे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इधर ही कहीं से हो रहा है दोस्तों। हम देख सकते हैं यहाँ से हमारे पैटर्न थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो इसके लिए इस पर से काट के इधर लाते हैं यहाँ से हो रहा है। यहाँ पर मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पर, समझ गए, यहाँ पर कर दिया मैंने इसको सही। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, थोड़ा सा हो गया अब इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे मैं करता हूँ। तो दोस्तों वो आपके ऊपर करना पड़ेगा कि आपका गाना कैसा है, कैसे क्या कटिंग करते हैं। अब वही चलेगा, कौन सा, ये वाला पैटर्न। तो इसको मैंने यहाँ से कर दिया कॉपी और आगे इसके करते हैं पेस्ट। देखिए सेम टू सेम है। चेंजिंग हुआ तो कटिंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से आपको कटिंग मांग रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने अगर सेट किया, यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से थोड़ा हम कट करते हैं। कट करने के बाद से इसको बैठा दिए, इसको मैंने थोड़ा पीछे किया, देखते हैं ठीक है। और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। देखिए यहाँ से हमारा फिर से पैटर्न खराब होने लगा। आपको हर जगह कटिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैं गाने बनाता नहीं हूँ, उन्दी पर बहुत ही कम ध्यान देता हूँ, ना ही बराबर समझिए। इसको फिर से मैं कटिंग करूँगा, लैपटॉप रहता कंप्यूटर रहता तो उसमें कटिंग करने में और पैटर्न बनाने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ा मुश्किल है। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से मैनेज, अब करता हूँ पेस्ट। देखिए गिरा, कर देंगे इसको पहले कटिंग। कटिंग हुआ, अब कौन सा पैटर्न, यही गिर रहा है जैसे इसे, ऐसे ही आपको कटिंग यहाँ पर मतलब आया। अब यहाँ पर अपने अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग इफेक्ट्स लगाते हैं, और वीडियो लंबी हो गई है तो आप समझ सकते हैं, मैं हिंदी गाने पर समझाना ये वाला ठीक है। इस इफेक्ट्स को मैं लगाता हूँ, देख यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब सुनिए मैंने इसको कॉपी किया, अब आगे यही लगेगा। देखिए यहाँ पर जैसे गिरा, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको इस टोटल को कॉपी करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ब्रेक और एक जितना है सारे के, और यहाँ पर कर देना है पेस्ट।
अब देखिए। प्रकार से हिंदी गाने को रिमिक्स किया जाता है। और रही बात तो यहाँ पर इधर इफेक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोग को ये वीडियो बना था कि आप लोग भी बहुत कमेंट कर रहे थे कि हिंदी गाने पे कैसे रिमिक्स किया जाता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया कि हिंदी गाने को कैसे कैसे रिमिक्स किया जाता है, कैसे पैटर्न बनाया जाता है। तो दोस्तों मुझे यकीन है आपकी वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को पर जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। बड़ी मेहनत लगता है वीडियो और लंबी लंबी वीडियो इतना बनाना बहुत आसान नहीं है। और रही बात की मेरे जैसा रिमिक्सिंग, मैं हमेशा रिमिक्सिंग पर ही वीडियो बनाता हूँ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।